हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं तुम। मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, तो अगस्त में से और चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो बारिश हो रही है भैया, बहुत बारिश हो रही है, है ना। और हमारे साथ है पिंटू। ये देखिए नदी के ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके का, और ये छाता ओढ़ लिए हैं बड़ा वाला। पिंटू की जिद है कि साइड पे जाना है, तो भैया जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा बारिश में, क्या जाना ही पड़ेगा। और ये देखिए पिंटू ने भी छाता ले रखा है, मैंने भी ले रखा है, और नदी बढ़ चुकी है इतनी सारी की सारी। तो ये और हम हैं ठीक पुल के ऊपर, ये है पुल का व्यू, और लोग वाग देखिए छाता लिए और चल रहे हैं ऐसे। और दिखाता हूँ मैं इधर नदी का व्यू, नदी को किस तरीके की। तो हो चुका है अलर्ट, तो हो चुका है अलर्ट कि भैया घर से बाहर ना निकले। तो आज दे भी रखी है छुट्टी, है ना, और हम भीग भी गए हैं, ये भीग गए हैं बहुत सारा, ये देखिए भीग भी गए हैं, तो घर और भी भीग गए हैं। हाँ, और घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया है, अलर्ट है, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया, काम तो करना ही है। तो चलते हैं और बताते हैं कि वहाँ जा कर के होता है क्या। वहाँ हुआ है क्या, कौन है वहाँ, महेश, संजय है, संजय। हाँ। तो चलते हैं, सीधे मिलते हैं साइड पे, मारोल का खिंचाई हो रहा है। हाँ। ऊपर तो साइड पे मिल रहे हैं सीधे, है नहीं। हाँ, हाँ। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं अपनी साइड पे, ये पीछे देखिए हो चुके हैं फ्लावर बहुत अच्छे से, और आ रही है बारिश। तो ऐसा कुछ व्यू हो गया है, और आगे दिखाऊं तो आगे है क्या, लेकिन भाई साहब बारिश भी है लेकिन पसीना भी आ जाता पूरा, क्योंकि रोड तो भैया ठीक होगी नहीं, मेरे को नहीं लगता। तो ये ऐसा बना दिया है एकदम बेहतरीन सा, ये देखिए पानी, बारिश में भाई साहब ऐसी स्थिति हो जाती पहाड़ में, ये देखिए पानी पानी जा सारी जगह, यहाँ से पानी एकदम निकल रहा बाहर। ये बन गया है एकदम गेट, ऐसा कुछ व्यू अंदर जाने का, और ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हो गया बेहतरीन, है नहीं। पानी भी सीधा आ रहा, तो सीधा अब बिल्कुल फ्रेश हो गया, देख देखने बढ़ गया एकदम, क्यों संजय बिल्कुल बढ़ा गया तो ना, हो गया तो ना ना, हम है नहीं, हम क्यों बोलते ऐसे में, वैसे में थोड़ी होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है एकदम मार्बल चलाने वाली मशीन, तो बड़ी आजकल मिलती नहीं भैया, और मार्बल कुछ हो चुका है यूं, तो कैसा लग रहा है दाना जरा बताइएगा। तो दाना एकदम चमक रहा है और बेहतरीन सा हो चुका है ये ऐसा। और यहाँ तक अगर व्यू दिखाएं तो कुछ व्यू दिखाई देने वाला है, और अंदर रेड कलर का दाना ज़्यादा पड़ा हुआ है तो रेड कलर दिखाई दे रही है, एकदम फिनिशिंग तो हो चुका है दाना एकदम ऐसा। और ये ऐसा बन चुका है, और ये है पिंटू। पिंटू दाना कैसे दिखाई दे रहा, एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, हाँ बढ़िया दिखाई दे रहा है। और उधर है संजय, तो संजय एकदम लुंगी में, और आज संजय की लुंगी निकाली जाएगी सर, आज होगा लुंगी डांस, है ना, लुंगी डांस आज कई दिन से हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है, कई दिन से हो रहा है। तो दाना तो संजय दिख गया, ये रेड कलर वाले से बढ़िया लग रहा है, ये वाला ये कलर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये चमक भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, हाँ इससे अच्छा रेड कलर, इसमें बहुत सारे कलर मिक्स कर देते हैं। तो ये बन रही है चाय, तो बहुत दिन बाद पिए चाय, क्यों भाई, लकड़ी पे चाय एकदम बेहतर, अब मेरे लिए भी है, बहुत है, कम है, कम है, ठीक है, ज़्यादा। तो हेलो फ्रेंड्स, ऐसे हो चुका है एकदम बेहतरीन सा, और दाना एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मैं हूँ इस समय एक पहले वाले हॉल में, तो आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं आज टूर कराता हूँ अपने स्कूल, तो आज फाइनल टेक दिखा देता हूँ मैं आपको कि है कैसा बना हुआ अल्टीमेट
बना है या नहीं, मेहनत काम आई या नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया शुरुआत करते हैं गेट से। तो ये है गेट, ये आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, गेट भी बेहतरीन सा लग चुका है और ये सब तोड़ दिया था तो गेट बहुत ही बढ़िया बना दिया है। ये देखिए आप प्लास्टर कर चुका हूँ गेट पे और इधर, और गेट एकदम बंद भी हो रहा बढ़िया, और यहाँ मैंने प्लास्टर करवा दिया है और अगर बारिश होगी तो पानी एकदम बेहतरीन तरीके से वहाँ से निकल जाएगा पानी बाहर, तो पानी ऐसे निकल जाएगा बाहर। और ये हो चुका है प्लास्टर और ये सारी लगा चुका हूँ मैं जाली। तो कभी बाघ भूख भी होगा भैया तो बाघ भूख भी नहीं आ पाएगा, तो ऐसा कुछ व्यू। और ये गेट, और गेट के बाहर अगर आप चलेंगे तो ये रास्ता बन चुका है ऐसा, और ये बेहतरीन सा, और यहाँ से पानी गिरेगा ऐसा। और यहाँ पे मेरे को हल्का सा लगता है कि हल्की सी एक सीढ़ी और देनी पड़ेगी आगे, ठीक है। ये हो गया और अब मैं लिए चलता हूँ ऑफिस में। तो ये ऑफिस हो गया, ऑफिस में भी एकदम मार्बल का दाना आप देखेंगे तो मार्बल बिल्कुल एकदम दिखाई देगा साफ, और ऑफिस भी काफ़ी बड़ा दिखाई देगा आपको। ये देखिए आप यहाँ से देख पाएंगे तो ऑफिस काफ़ी बड़ा, और इधर पीछे लगा चुका हूँ मैं, ये दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये पीछे लगी हुई है इसकी खिड़की ताकि देख पाऊँ मैं कि इधर उधर क्या है, क्या स्थिति है। और पानी देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए आप, पानी सारी जगह एकदम पर्टिकुलर बह रहा है और इसको करना पड़ेगा अभी पानी। तो ये ऐसा, और ये हो गया ऑफिस। तो अब ऑफिस के बाहर चलते, तो ये है बरामदा। तो इधर पानी रुकने का बिल्कुल नहीं, इधर डलवा चुके हैं मार्बल और ये लगा चुके हैं इधर से पाइप ताकि पानी ना आए भैया, पानी का मेन प्रॉब्लम पानी है। और इधर पूरा कर चुका है इसको कवर, और ये देखिए हैज की झाड़ी लग चुकी है और हो चुका है बेहतरीन सा। और ये है आपका अंदर जाने का रास्ता, और इधर देख रहे होंगे तो ये बन चुके हैं टॉयलेट, पूरे टॉयलेट तैयार, ऊपर टंकी के लिए बना चुका हूँ और इधर टॉयलेट जाने का रास्ता। तो अब आए हम पहले वाले कमरे में, तो ये पहला वाला हॉल दिखाई दे रहा है आपको, पहला वाला हॉल बेहतरीन सा एकदम दिखाई दे रहा होगा। तो सारी जगह ऐसी स्थिति है कि कहीं भी अंधेरा ना, दरवाजा खिड़कियाँ दे चुका हम दो, ऊपर भी एकदम रोशनदान छोड़ दिया गया है और लगभग कंप्लीट सा, अब होना है सिर्फ पेंट। और ये है इसका दूसरा वाला हॉल, और दूसरा वाला हॉल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बन रही अभी चाय, उधर खिड़कियाँ और दरवाजे, और ये स्थिति है। तो पूरा हो चुका है एकदम ऐसा व्यू, और आज बनेगी चाय लकड़ी वाली। और ये है संजय, ये तो संजय निकल जाए, ये निकालना पड़ेगा संजय, नहीं तो ये जम जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये बाहर बरामदा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और ये देखिए आप यहाँ तक पूरा हो चुका है एकदम फाइनल ऐसा कुछ, और उधर अभी भी रेत रखी हुई ये, और ये है जो सबसे बड़ा हॉल है। तो इस तरीके का बना हुआ है, आप यहाँ कम से कम 50 से लेकर के 70। तो ये है आपका लास्ट वाला हॉल, यहाँ आप 50 से और 70 बच्चे रख सकते हैं एकदम बेहतरीन। और अभी सिर्फ अब एक चीज़ की कमी हो गई है, अब करनी है लाइट फिटिंग और पेंटिंग होनी बाकी है, जो पेंट्स लगेगा वो लगना बाकी है। और ये दिखाई दे रहा होगा ये बगल से, तो ये हटेगा और बगल से यहाँ से है रास्ता ऊपर छत में जाने का, और ये ऐसा अल्टीमेट सा लुक हो गया है, बाहर का व्यू कुछ इस दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन सा लुक जो कॉलेज है उसका दिखाई देगा ऐसा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा हो जाता है गढ़वाल में, पूरा गिर गया ऊपर, हाँ ऊपर की ओर घर है, तो ये ऐसे गिर जाता है। और ये देखिए आप ये, और सकरा रास्ता और फिसलनदार रास्ता, तो ऐसे गिर गया भाई, बहुत खतरनाक है नहीं।